বিরতির পর স্বাগত। বহিরাজ্যের এক ব্যবসায়ী থেকে প্রায় 30 লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিল রাজধানীর ধলেশ্বরের এক যুবক। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য গোটা শহর জুড়ে। জানা যায়, গত 20 জুলাই 2023 ইংরেজি তারিখে রাবার শিট কেনার জন্য গণেশ এন্টারপ্রাইজকে 34,53,000 টাকা আরজিটির মাধ্যমে পাঠান সঞ্জয় শর্মা। কথা ছিল প্রণবেশ দেববর্মা ওরফে পিঙ্কু তাকে রাবার শিট পাঠাবে, কিন্তু প্রণবেশ দেববর্মা রাবার শিট সংগ্রহ বা সরবরাহ করতে অস্বীকার করে এবং বিপুল টাকা ফেরত দিতেও অস্বীকার করে দেয়, যার কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজধানীর পূর্ব থানায় দ্বারস্থ হয়। জানা গেছে, পূর্ব থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পর আপাতত রাজ্যের বাইরে পালিয়ে গেছে প্রণবেশ দেববর্মা, এমনটাই অভিযোগ। এও জানা গেছে, এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এর আগেও বেশ কিছু প্রতারণার মামলা নথিভুক্ত রয়েছে রাজধানীর একাংশ আধিকারিকদের কাছে। সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা কি বলছে শুনুন। On Thursday, last Thursday, मैंने एक कंसाइनमेंट पीकू से लिया था। उसका असली नाम तो प्रवेश देवनाथ है, तो हम पीकू के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो उससे मैंने मार्क पैटर्न लिया था। तो मेरे को सब गाड़ी का लोडिंग दिखा करके उसने मेरे से सारा पेमेंट दिया, और पेमेंट लेने के बाद रात को 11:30-12 बजे गाड़ी खाली हुई। पेमेंट 34,53,000 रुपये का मैंने पेमेंट उसको अकाउंट में ट्रांसफर किया था, 34,53,000। तो ट्रांसफ़र करने के बाद 8:40 के आसपास मैंने ट्रांसफ़र किया पेमेंट, और रात को 11:30-12 बजे के बाद गाड़ी पार्क हो गया। मुझे लगता है कि ये सब लोग एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसे ही मेरे एक और पार्टी के साथ हुआ था आज से 2-3 महीने पहले। सेम मोडस ऑपरेंडी सेम है, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उसका भी गाड़ी लोड हुआ, दैट अमाउंट वॉज अराउंड 42 लैक्स। उसका भी ऐसे गाड़ी लोड हुआ था और गाड़ी को अनलोड कर। तो मैं पिछले 8 दिनों से, मेरे साथ थर्सडे नाइट को ये काम हुआ, मैं फ्राइडे दोपहर से यहाँ पे आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर ऑल्सो। मेरा जो पूर्वी थाना है, इस पर मैंने ऑफिसर को दिया, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, मिस्टर राणा चटर्जी इन्वेस्टिगेटिंग, एंड लेकिन सो फार आई हैव नॉट गॉट एनी रिलीफ फ्रॉम एनीबडी। सो आई एम इन, और मैं अपना माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ, ये जो हमारा स्टेट में हो रहा है, स्टेट हम हिंदुस्तान के बंदे हैं, ये भी हमारा त्रिपुरा भी हमारा स्टेट ही है, इस स्टेट का बदनामी है, ये स्टेट का बदनामी है। आज ये इंसिडेंट कंटिन्यूसली हो रहा है, तो इसको रोका जाए और पीकू देवनाथ के खिलाफ जरा पीकू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको लेके आया जाए। उसके उसका जो हिस्ट्री है, वो इसका हिस्ट्री बताता है कि उसने आगे भी ऐसे बहुत सारे कांड किए। रबर बिजनेस से पिछले 15-16 साल से जुड़ा हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैंने ये अगरतला में काम स्टार्ट किया है, रिसेंटली मैंने ऑफिस खोला है यहाँ पे 4-5 महीने पहले, तो मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया है। लेकिन मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, गुवाहाटी में मेरा अपना खुद का एक और ऑफिस है, और रहने वाला मैं दिल्ली का हूँ। मेरी फर्म का नाम है प्रतीक इंटरनेशनल अगरतला में, जिसके थ्रू मैंने इसको पेमेंट ट्रांसफ़र किया था RTGS, और 34,53,000 का मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था। ये कुछ नहीं, ये तो बस बोलता है कि मेरे को आपका पेमेंट मिला है और मैंने आगे दे दिया, मैं इसका रेस्पॉन्स। অভিযোগ আপনারা শুনলেন, কার্যত দিল্লির বাসিন্দা তথা রাবার ব্যবসায়ী সঞ্জয় শর্মা অভিযোগ করছেন যে ওনার থেকে ব্যবসার নামে প্রায় 34 লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে রাজধানীর ধলেশ্বর প্রণবেশ দেবনাথ ওরফে টিঙ্কু নামে এক ব্যবসায়ী। বর্তমানে পূর্ব থানায় দ্বারস্থ হয়েছে প্রতারিত ব্যক্তিটি। এখন দেখার বিষয় যে পুলিশ তার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত প্রণবেশ দেবনাথের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই মুহূর্তের সংবাদ এ পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী নিউজ এবং আপডেট দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখবেন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। ধন্যবাদ।